मैं इस वक्त इस्लामाबाद में पुलिस लाइंस के बाहर मौजूद हूँ। यही वो वेन्यू है जहाँ कहा जा रहा है कि इमरान खान को रात को शिफ्ट कर दिया गया है। पुलिस लाइंस जो है वो एक हाईली फोर्टिफाइड प्रेमिसेस है और हम जो है वो इस लकीर से आगे नहीं जा सकते हैं। पीछे अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक पूरी शिपिंग कंटेनर्स की लाइन जो है वो लगाई गई है, क्रेन्स रखी गई हैं, पुलिस का नाका लगा हुआ है और किसी भी व्हीकल को चेकिंग के बगैर और इन्वेस्टिगेशन के बगैर, पूछताछ के बगैर आगे जाने नहीं दिया जा रहा। पुलिस जो है उसकी बहुत सी नफरी हमारे यहाँ खड़े होते हुए भी बसों में पहुँची है इस वेन्यू पर। अगर दूसरी तरफ देखें, ये एक मेन रोड है, डबल रोड है, काफ़ी बिजी रहता है आम दिनों में। दूसरी तरफ भी पुलिस की जो है कंटिंजेंट्स वो खड़े हुए हैं ताकि अगर यहाँ पर प्रोटेस्ट हो जाता है या पीटीआई की तरफ से जिस तरह से पहले कॉल दिया गया था अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में पहुँचने का, अब ये वेन्यू चेंज हो गया है तो पीटीआई के ग्रुप्स में ये तला दी जा रही है सपोर्टर्स को कि वो पहुँचे यहाँ पर। सिचुएशन जो है पूरे मुल्क में टेंस है। रात भर जो है वॉयलेंस के कुछ इंसिडेंट्स रिपोर्ट होते रहे हैं, आग लगाई गई है, गवर्नमेंट बिल्डिंग को, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को वैंडलाइज किया गया है। कल जीएचक्यू में तोड़फोड़ हुई, लाहौर के कोर कमांडर हाउस में तोड़फोड़ हुई है। मीडिया जो है बहुत इंटरेस्ट है, पीछे जो है ये एक इंटरनेशनल मीडिया, नेशनल मीडिया, यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा ग्लिम्पसेस शायद नहीं मिल पाएंगे। अंदर इमरान खान मौजूद हैं कहा जा रहा है, यहीं पे अदालत लगेगी और आज जो है वो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की तरफ से तवक्को है कि 14 दिन का उनका रिमांड मांगा जाएगा। कल इमरान खान का मेडिकल भी किया था, एक बोर्ड जो है वो डॉक्टर्स का, उन्होंने उनका एग्जामिनेशन किया था जिसकी रिपोर्ट अभी अवेटेड है। यहाँ पर सिचुएशन जो है उसको उसमें तब्दीली आ सकती है अगर पीटीआई के सपोर्टर्स यहाँ पर इकट्ठे हो गए, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से ये स्टेटमेंट्स भी सामने आई हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करने की लोग कोशिश कर रहे हैं उनसे निपटा जाएगा और इस्लामाबाद में और पाकिस्तान के और दूसरे बड़े शहरों में, पंजाब में जो है वो सेक्शन 144 इम्पोज कर दिया गया है और यहाँ पर किसी भी किस्म की असेंबली करने की, प्रोटेस्ट करने की इजाज़त नहीं है।